अबे कूद भी जा, और कितना बोर करेगा। कौन है? साले नौटंकी की दुकान। कौन हो आप? अंदर अंदर कैसे आए, और ये मेरा चखना क्यों खा रहे हो? अबे चना ही तो है, वो हर बात पे रोता है क्या? मैं हर बात पे रोता हूँ? आप जानते भी हो मुझे? बेटा मैं तो सबको जानता हूँ। मतलब? I am यमराज, God of Death। इधर लाया, फोटो पुरानी है, फर्स्ट ईयर की है। पर आप यहाँ क्यों आए हो? अरे तू पूरी लाइफ सफर ही किया है ना, इतना सब के बाद इंसान क्या करता है? सुसाइड ही करता है ना, तो बस आ गया तुझे लेने। आपको मजाक सूझ रहा है? आपको पता क्या है मेरी लाइफ के बारे में? ये क्या है? ये जो तू लाइफ में हगा है ना, इसकी छोटी सी लिस्ट है। ये देख, 10th में 89.9% आया, तो तू इसलिए रो है कि तुझे 90 नहीं आया। टिंडर पे दो दिन मैच नहीं मिला तो तूने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। बेटा रीइंस्टॉल कर ले, वैसे भी तेरी वाली जा चुकी है। ये क्या है, इसको बंद कर प्लीज। रुक रुक, ये क्या है? बाथरूम में चिपकली देखती तेरी टट्टी रुक जाती। अच्छा चल, एक लास्ट। अदिति ने भी तुझे सामने से प्रपोज किया था ना? नसीब है, ये तो वहां भी कटता तेरा। कटता वटता कुछ नहीं, मैंने सोचा कि सोच सोच के तेरे दिमाग में कब्ज हो गए हैं। अरे कुछ करने के पहले कुछ सोचना तो पड़ता है ना। सोचने के बाद कुछ करना भी तो पड़ता है। मैं करता नहीं, आज मैं ऐसे इंजीनियर बन गया ना। बेटा इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर्स बनते हैं, तूने क्या तीर मार लिया? लाइफ का टेस्ट पेन और पेपर से नहीं दिया जाता, लाइफ का टेस्ट इस मोमेंट में होता है जिसे तू बालकनी में खड़े होकर वेस्ट कर रहा है। तो और क्या करूँ? पापा को जाके बोलूँ कि जिस दोस्त के भरोसे स्टार्टअप करने आया था ना, वो आज USA में जॉब लेके बैठा है लाखों की, और मेरे साला एक साल की मेहनत वेस्ट हो गई, और मैं यहाँ दारू पी रहा हूँ चूतियों की तरह। चूतिया तो तू है, तुझे तो दूसरों पे डिपेंडेंट होने की आदत है। इट्स नॉट लाइक आई एम डिपेंडेंट, बट आई नीड पीपल विद हुम आई कैन शेयर माई लाइफ। मुझे लगता था कि पापा मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे, पर जब उन्होंने मुझ पर डाउट किया ना, अब तो साला मुझे खुद पर ही डाउट होने लगा है। पर अब तो मैं आ गया हूँ ना, और मुझे मेरे काम पर कोई डाउट नहीं है, और वैसे भी तेरे पास टाइम बहुत कम है। फ्लोर टफ जॉब, आई नो, इसमें गारंटीड सक्सेस है, सीधा ऊपर। डोंट बिलीव मी, इसको देख ले। ये भी कूद गया था साला लड़की के चक्कर में। बता इसको कैसे कूदा जाता है। आई रियली लव्ड हर अ लॉट, व्हाई डिड शी फ्रेंड ज़ोन मी, व्हाई ऑलवेज मी। इसका फिर शुरू हो गया। ऐसे नहीं हो पाएगा यार, प्लीज तू जा, तू निकल, तेरे से नहीं हो पाएगा। माँ की आंख, साला सब सुसाइड केस ऊपर आधी अधूरी लाइफ लेके आ जाते हैं, और वहां भी इनका यही हाल होता है, इनकम्प्लीट। और तुझे क्या लगता है इन सबसे फ्री हो जाएगा तू ऊपर आके? हाँ, वहां भी तू ऐसे ही रहने वाला है। चल एक मिनट है तेरे पास, बता दे कोई आखिरी इच्छा हो तो। मैं नहीं कूदूंगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मैं नहीं कूदूंगा। क्या बोला? मैं नहीं कूदूंगा। पर टाइमर, तू तो बच गया रे। रोड पे चलती उन गाड़ियों को देख, ये सब साली लोहे की बनी है, लेकिन लोहे को पता नहीं होता इनमें से क्या बनने वाला है। तेरी लाइफ भी इसी लोहे की तरह है, तू अपनी मेहनत से चाहे तो इसे मर्सिडीज बना सकता है,
या ऑटो या सीधा भंगार में पड़े रहने दे सकता है। यूजलेस। देख, जो तू अपनी लाइफ में करने की सोच रहा है ना, वो होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, देर से होगा या जल्दी होगा, ये सब के जवाब कहीं नहीं लिखे, ना ही किसी को पता है। ये सब के जवाब सिर्फ तू लिख सकता है। तेरा मरना तो मेरे हाथ में है, लेकिन तेरी लाइफ वो तेरे हाथ में है। अब तू डिसाइड कर ले तुझे क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। ठीक है फिर, जब तू कूद ही नहीं रहे तो मैं निकलता हूं। पर टाइमर, आपने तो कहा था कि आप आए हो तो लेके जाओगे। अरे वो तो मिश्रा जी का है। मिश्रा? मैं तो तुझे बालकनी में देवदास की तरह खड़ा हुआ देखा था, तो सोचा टाइम पास कर लूं। ठीक है फिर, मैं निकलता हूं।